केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने जगदलपुर में बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, मंत्री मोहन मरकाम, कवासी लखमा सहित बस्तर अंचल के सभी विधायक इस दौरान मौजूद रहे। इस तरह कांग्रेस ने एकजुटता दिखाते हुए एक सदी हुई रणनीति के तहत नगर नार स्टील प्लांट और बस्तर के विकास को लक्षित करते हुए भाजपा पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। नगरनार स्टील प्लांट को बेचने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि प्लांट बेचने की तैयारी बस्तर की जनता के साथ छलावा है। परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा के परिवर्तन यात्रा से कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। कवासी लखमा ने अपने चीर परिचित अंदाज में बयान देते हुए परिवर्तन यात्रा को ढोंगियों की यात्रा बताया है। माननीय अमित शाह जी कल दंतेवाड़ा आ रहे हैं, दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, मगर उससे पहले अमित शाह जी से हमारे बहुत से सवाल हैं। जो बस्तर में जो घटनाएं घट रही है, उस घटनाओं के प्रति जो जीरम घाटी घटना घटी, नगरनार स्टील प्लांट को बेचने की तैयारी हो रही है, जो बस्तर की जनता के साथ लगातार छलावा किया जा रहा है, ऐसे कई मुद्दों को लेकर आज हम प्रेस वार्ता को संबोधित करते हैं। इसीलिए हम दोनों मंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर के सभी विधायक वहां पे शामिल होंगे और हम क्रम से हम वहाँ पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी अगर बस्तर से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो सबसे पहले उनको झीरम घाटी जाना चाहिए और वहां की मिट्टी को नमन करके फिर बस्तर से उनकी यात्रा शुरुआत करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, 15 साल में छत्तीसगढ़ महतारी की उनको याद नहीं आया और आज हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ महतारी का स्पेशल दर्जा उन्होंने दिया, तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आज छत्तीसगढ़ महतारी को याद कर रहे हैं। ये कुछ नहीं किए, लोगों को बर्बाद किए, तेलंगाना आंध्र प्रदेश लोग पलन किए, वो पार्टी परिवर्तन का बात करती है, ये बेईमानी है। जब वहां पर तहसील खोले, सोसाइटी इंदिरा गांधी के समय सोसाइटी खोले थे, हम लोग गांव गांव हर 2 साल पंचायत मिला के हम लोग दान खरीदी केंद्र खोला है। 15 साल में बस्तर में 15 दान खरीदी केंद्र नहीं खोले, स्कूल नहीं खोले, आत्मदान स्कूल नहीं खोले। वो बात को जनता के बीच में जाएंगे। आने वाला 12 का 12 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगा।